नमस्ते बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में सब लोगों को हार्दिक स्वागत। पिछले कक्षा में बर्तोल्ट ब्रख्त की डॉक्टर के नाम मजदूर का पत्र नामक कविता के पहले भाग का परिचय किया है। बर्तोल्ट ब्रख्त की यह कविता चिकित्सकों के नाम मजदूर वर्ग का पत्र है। दुर्भाग्य से भारतीय मजदूरों की स्थिति दयनीय बनी हुई है, उनके जीवन में अभाव ही अभाव है। यहाँ कवि मजदूर वर्ग की यथार्थ स्थिति की ओर संकेत करते हैं। मजदूर कहते हैं, हमें अपनी बीमारी का कारण मालूम है, हमें नहीं सबके सब जानते हैं, पर कोई नहीं कहता है। वह एक छोटा सा शब्द है, इसे सुलझाने हमारे राजनेताओं ने आज तक गंभीर प्रयास नहीं किए। जब हम बीमार पड़ते हैं तब बताया जाता है कि केवल डॉक्टर ही हमें बचा सकते हैं। कवि कहना चाहता है कि इनके यथार्थ बीमारी गरीबी है। आगे देखिए बच्चों, तुम्हारे पास आते हैं जब बदन पर बच्चे चिथड़े खींच कर कान लगाकर सुनते हो तुम हमारे नंगे जिस्मों की आवाज़, खोजते हो कारण शरीर के भीतर, पर अगर एक नज़र शरीर के चिथड़ों पर डालो तो वे शायद तुम्हें ज़्यादा बता सकेंगे। क्यों किस पट जाते हैं हमारे शरीर और कपड़े, बस एक ही कारण है दोनों का, वह एक छोटा सा शब्द है जिसे सब जानते हैं पर कहता कोई नहीं। बच्चों, इस भाग पर कुछ नए शब्द हैं। देखिए, बदन बॉडी, चिथड़ा फटा पुराना कपड़ा, खींचना टू पुल, खोजना टू सर्च। तो बच्चों, यहाँ मजदूर पूछता है, जब हम अपने शरीर पर बचे फटे पुराने कपड़े खींच कर आते हैं तब क्या तुम कान लगाकर हमारे नंगे शरीर की आवाज़ सुनते हो? क्या शरीर के भीतर इस अवस्था का कारण खोजते हो? अगर हमारे शरीर के छिद्रों पर एक नज़र डालो तो वे तुम्हें शायद इस स्थिति के बारे में ज़्यादा बता सकेंगे। हमारा शरीर और कपड़े क्यों इतना किस पिट जाते हैं? बस दोनों का कारण एक ही है और वह तुम सब जानते हो, लेकिन कोई कहता नहीं। आगे देखिए बच्चों, तुम कहते हो कंधे का दर्द टीसता है, नमी और सीलन की वजह से। डॉक्टर तुम्ही बताओ यह सीलन कहाँ से आई? बहुत ज़्यादा काम और बहुत कम भोजन ने दुबला कर दिया है हमें। नुस्खे पर लिखते हो और वजन बढ़ाओ, यह तो वैसा ही है दलदली घास से कहो कि वह खुश्क रहे। बच्चों, इस भाग पर कुछ नए शब्द हैं। देखिए, कंधा शोल्डर, नमी मॉइस्चर, सीलन डैम, नुस्खा प्रिस्क्रिप्शन, घास ग्रास, खुश्क ड्राइड। यहाँ मजदूर डॉक्टर से पूछता है, तुम कहते हो कि नमी और सीलन के कारण कंधे का दर्द लगातार होता है, तो डॉक्टर तुम्हें बताओ यह सीलन कहाँ से आई? हमारे शरीर की यह स्थिति का कारण हमारी तरह तुम भी जानते हो, बहुत ज़्यादा काम और बहुत कम भोजन ने हमें दुबला कर दिया है। लेकिन तुम लोग और वजन बढ़ाने का निर्देश देते और नुस्खे पर लिखते हो, यह ऐसा है कि दलदली घास से वह खुश्क रहने की बात कहते हो। आगे देखिए बच्चों, डॉक्टर तुम्हारे पास कितना वक्त है हम जैसों के लिए? क्या हमें मालूम नहीं तुम्हारे घर के एक कालीन की कीमत 5,000 मरीजों से मिली फीस के बराबर है? बेशक तुम कहोगे इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, हमारे घर की दीवार पर चाई सीलन भी यही कहानी दोहराती है। हमें मालूम है अपनी बीमारी का कारण, वह एक छोटा सा शब्द है जिसे सब जानते हैं पर कहता कोई नहीं, वह है गरीबी। तो बच्चों, इस बात पर कुछ नए शब्द हैं। देखिए, वक्त टाइम, कालीन कारपेट, कीमत कॉस्ट, बराबर इक्वल।
मजदूर डॉक्टर से कहता है, हे डॉक्टर, तुम्हारे पास हम जैसों के लिए कितना वक्त है? हमें मालूम है कि तुम्हारे घर के एक कालीन की कीमत हम जैसे 5,000 मरीजों से मिली फीस के बराबर है। ज़रूर तुम कहोगे कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। हमारे घर की दीवार पर छाई गीलापन को भी यह कहानी मालूम है। अपनी बीमारी का कारण एक छोटा सा शब्द है, वह है गरीबी। So students, the poem which is written by Bertolt Brecht is a letter of the working class for the doctor. The workers are at the peak of poverty, but there is no one to enquire the cause of their miserable condition. Everyone knows the cause of this misery of the workers, but they don't ask about it. The doctors always told the workers that it is due to the retention of moisture that causes shoulder pain. Even though they knew that lack of food and too much work was the cause of their condition. The doctors told them to increase the weight again and again. This is similar to say that the grass in the swamp had dried up. The workers asked the doctor whether they had time to spend for those poor workers. They said that even the carpet in doctor's home caused the fees of around 500 patients. And the moisture in the walls of the workers' home knew all that. They finally concluded that the name of their disease is poverty. तो बच्चों, बर्तोल्ट ब्रेख्ट द्वारा लिखित डॉक्टर के नाम मजदूर का पत्र नामक कविता यहाँ खत्म हो चुकी है। धन्यवाद।